आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। ध्यान करके मेरी बात सुनिए, देखिए हाँ, वो मोहन जी भागवत की जो बात है वो तोड़ मड़ोड़ के रखी गई है। ये बाकी हम सब, हम जो है ब्राह्मण जी हैं, उनका पूजनीय है, वंदनीय, हम हर तरह से उनका सम्मान करते हैं। ये हमारे से साथ में जुड़े हुए हमारे भाई हैं, हमारे अपने हैं, ये हमारे अंग हैं, तो हम इनके नहीं हैं। लेकिन जो मोहन जी भागवत ने जो बात कही हुई है उसको तोड़ मड़ोड़ के, मतलब उसको अच्छे तरीके से न लेते हुए, हाँ तो उसको अच्छे शब्दों में न लेते हुए तोड़ मरोड़ की भाषा हमारे आपस में लड़ाने की ये बात है। हमारे हिंदू संगठन को, मतलब जो चल रहा है, मतलब अखंड भारत की तरह हम तरफ जा रहे हैं, उसको मतलब बीच में से तोड़ने की बात है। इसलिए ऐसी बात नहीं है, मोहन जी भागवत एक विचार हैं, एक बढ़िया हैं, देश बहुत उन्होंने आगे बढ़ाया, उनकी विचारधारा बहुत अच्छा है। उनकी विचारधारा से चलेंगे तो समाज का पूरा देश आगे जुड़ता रहेगा, अखंड भारत हो जाएगा। ऐसा नहीं लगता अभी जो दौर चल रहा है, जो हमारे देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर बात होनी चाहिए, मगर बात हो रही है कि किसी एक धर्म ने किसी जो जाति को पीछे रखा या पैदा करा या बनाया, और तब क्या लगता है सर, ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी नहीं आपको ऐसे लग रहेगा कि बात करी जा रही है, जैसे कि या बुलवाया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ देश को रोजगार की ज़रूरत है, युवा लोग हाथों में डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इस पर बात होनी चाहिए, मगर बात हो रही है धर्मों पे, आपको क्या लगता है? सर मेरी बात आप सुनिए, आज से आप 2014 से पहले चले जाइए, बराबर लोगों की सैलरी 5 से 10 हज़ार के बीच में सैलरी थी, आज स्टार्टिंग सैलरी 15-20 हज़ार रुपया सैलरी है। पहले अनाज था 70-80 के आसपास है, तो 20 समझो अभी 100 के आसपास है, लेकिन अब उसमें भी तो देखो अब स्लैब कितना बढ़ गया पगार में। पहले हम ब्रांड नहीं पहन पाते थे, अटे फटे कपड़े हम पहनते थे, बराबर आज हम अपने ब्रांडेड पहनते हैं, जूते हमारे ब्रांडेड होते हैं। आज कोई बता दिया एक झुग्गी झुपड़ी में भी आप चले जाइए, मोबाइल फोन होता है 15-20-25 हज़ार रुपये का, रंगीन टीवी, कलर टीवी होते हैं, खाने की सुई सुविधा होती है, एक से स्वीक से पिज्जा ईजे ऐसे मंगाए जाते हैं, खाली बोलने की बेरोजगारी है, बोलने के लिए खाली है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया देश चल रहा है, कहीं मेघवारी नहीं है भैया, खाली देश को हर जगह नौकरी है, हर जगह है, करने वाले के लिए जॉब है, नहीं करने वाले के लिए तो घर बैठा रहेगा, चिल्लाएगा कि भाई जो जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, वो गलत बात है। अच्छा एक बात और है, जो गुजरात सरकार के जो अधिकारी हैं, जिन्हें कहा जाता है एक पुलिस के रूप में हमारी सेवा करते हैं, टीआरबी वाले लोग, उनकी आज से 2014 में भी 200-250 रुपया सैलरी थी, आज 350-300 रुपये आएगा, उनकी तो 1000 रुपये नहीं हुई, क्या कहोगे? किसके 1000 रुपये नहीं हुई? टीआरबी वालों की है, जो पुलिस की, जो हमारे साथ 400 पे खड़े रहते, इतनी मेहनत करते धूपों में, उनकी क्यों नहीं? कांग्रेस के राज वालों, मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा, आपको डेमो दे, आपने कहा ना कितने बड़े, आप मेरी बात सुनो, आप दूसरे जिसका जो तो सरकार के जो अधिकारी लोग तो प्राइवेट है, उन लोग उनकी बात कर रहा हूं। होम गार्ड के अभी जवान से आप पूछिए, उसकी 2014 से जो सैलरी थी मात्र 2200 रुपए के आसपास थी, 200-225, आज उसकी सैलरी 400-450, मतलब उसका 100% का इजाफा हुआ है उसमें, कहां से हुआ? कम नहीं हुआ है भैया, जो भी है इजाफा हुआ है, किसी में कम नहीं हुआ है। रूम हम लोग यहाँ पे सर, हम लोग आप भी 5000 में नौकरी कर रहे हैं सर, 15000-20000 क्यों नहीं हुई? आज भी कॉर्पोरेशन के अंदर 5000 महीने का, क्या नाम है नौकरी कर रहे हैं जी? ब्रिजेश अवस्थी कॉर्पोरेशन में, क्या कहेंगे आप बताइए सरकारी? मेरी बात सुनो, जिसका जैसा होदा होता है, जिसकी जितनी पढ़ाई होती है, जिसका जैसा, 2014 की चल है, मेरी बात सुनो, 5000 हो गए आप कह रहे हैं, देखो मेरी बात सुनो, 5000 जो सैलरी है वो तो खाली बात होती है बनाने की और सरकार को बदनाम करने की, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी सैलरी अच्छे से, सब अच्छे से गलत, आप लोग गलत हो, जो आप लोग विरोध करने, मैं बोल रहा हूँ उनको, मैं स्टेटमेंट दिखवा दूँ, ये सैलरी बढ़ा के देंगे 20000, ये 20000 देंगे, जो मोहन जी माननीय मोहन जी भागवत की जो बात कही है उसको तोड़ मरोड़ के किया हुआ है। नहीं, जो मोहन जी भागवत जो भी बात रखते हैं, देश हित के लिए बात रखते हैं, उसमें तोड़ने वाली कोई बात नहीं होती है, किसी का मोहन भागवत जी किसी एक, आप सुनिए, मोहन भागवत जी सबको जोड़ने की बात करते हैं तो ब्राह्मणों को ही क्यों इशू बना के बोला जाता है? आपको लग रहा है भैया, मेरी बात सुन, आपको लग रहा है बाकी इशू ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मनोज भाई शाह नाम है, मतलब आप यहाँ कलेक्टर ऑफिस में? हाँ, मैं ये आयुष्मान कार्ड, इसमें आधार कार्ड के लिए आया हूँ। अच्छा, सर क्या कहेंगे, ये तो डायरेक्ट नहीं, ये बयान को तरोड़ मरोड़ के पेश करा, कोई वो छोटे व्यक्ति नहीं है, हम लोग बच्चे नहीं है, हम लोग समझदार हैं, युवा हैं, देश के, हम मोहन भागवत जी का, उनकी संस्था का सम्मान करते हैं। दूसरी बात,
हमारे संविधान में या हमारे भगवद गीता में या हमारे महापुराणों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि किसी का जाति का या धर्म का हम अपमान कर सकते हैं। किसी भी जाति का धर्म का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं, किसी भी ना इस्लाम में है ना तो हमारे धर्म में, किसी भी धर्म में किसी भी जाति का भगवान ने या हमारे अल्लाह ने या अकबर ने या वाहेगुरु जी ने कहीं नहीं किसी भी जाति का अपमान नहीं लिखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हमारा धर्म जो है वो धर्म हिंदू सनातन धर्म है, किसी का मुस्लिम धर्म है, किसी का सिख है, किसी का ईसाई है, किसी का जैन है, कोई बौद्ध है, हमारा हिंदुस्तान सबको मिला के चला है। हमारे देश की जो संस्थाएं हैं सब देश से जुड़ी हुई हैं, सब देश में ही काम कर रही हैं, देश सब सनातन धर्म, सनातन धर्म हम ये नहीं कहते हैं, पंथ में नहीं हम किसी भी धर्म का सनातन धर्म खाली एक ही आदि अनादि काल से चला आ रहा है, हजारों साल से ये है। ये पंडित है, ये पंडित जी मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण है, मतलब आप झूठ बोले इनका कहना है, लोग ब्राह्मण है। दूसरी बात, परशुराम जी हमारे आदर्श है, बाकी सब पंथ है, परशुराम धर्म एक ही है, सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ है, दूसरे धर्म है वो पंथ, सब पंथ है, सब उसकी सब जो चला आ रहा है सब उसी के हिसाब से चला। सर वो ब्राह्मण ने चलाया, जो पंथ चले आप वही कह रहे हो, आप कह ही रहे हो सनातन बात रखी जाए। हम जो बात पे थे, क्वेश्चन हमारा जो बात चल रहा है, पंथों में बांट रहे हो आप, अभी पंथों में बांटने की कोशिश, बाकी सनातन धर्म एक ही है, धर्म है एक ही, सनातन धर्म है, बाकी दूसरा कोई धर्म नहीं है। मोहन भागवत जी ने सीधा सीधा ब्राह्मणों का नाम लेकर कहा है, सनातन धर्म को नहीं कहा है। देखिए एक तरफ जो है, आप बात करें मोहन जी भागवत जोड़ने की बात करते हैं, सर्व हिंदुस्तान नहीं, सर्व विश्व उनको वो जोड़ने की बात करें मोहन जी भागवत, लेकिन आप समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। सारा ब्राह्मण समाज मोहन भागवत जी का सम्मान करता है दिल से, लेकिन किसी भी रामायण की जो चौपाई जलाई है बराबर है, उनके विरोध में आप कुछ नहीं बोलने के लिए आए, उनको भी बोलते हैं उन्होंने गलत किया। किसी भी धर्म का जो चौपाई जो रामायण की जला दी, किसी भी धर्म कैसे गया, सुनो नहीं, सुनिए, चलो मैं मान लेता हूँ कि मोहन भागवत जी का जो है बयान तोड़ मरोड़ के इसको अलग बनाया गया, उन्होंने ये चीज बयान नहीं दिया है, तो आप ही मुझे बता दीजिए कि ये तोड़ मरोड़ वाला काम किसने किया है, ये अपने देश के किसी व्यक्ति ने किया है या राजनेताओं ने किया है या किसी ने किया। हमको तो ब्राह्मणों के प्रति ये विवादित बयान आया है उसको लेकर के हम यहाँ पे एप्लीकेशन देने आए हैं। हमको तोड़ मरोड़ के जिसने भी तोड़ा हो या जिसने भी मरोड़ा हो बराबर है, ये देश को बांटने वाली बात है। बाकी आप ब्राह्मण लोगों में अभी आपको आप पूजनीय हो, आप पूजनीय हो, लेकिन इस तरह की बात विचार करके, अपवाद करके या विवाद करके, ऐसा अगर आपका अगर आप मेरी बात आप सुनिए, हमारी मिट्टी है, इसी देश में मैंने जन्म लिया, जहाँ पर आपने जन्म लिया वही हमारे माँ बाप पूर्वज थे, वही आपके भी हैं, कोई ऐसा नहीं है। आपको अगर आपकी जाति धर्म को कोई अगर कीचड़ उछालेगा आप क्या करोगे, क्या करोगे? ये भाई मुस्लिम धर्म से है, ये भाई हिंदू धर्म से है, वो कोई मुख्य कोई उससे है, तो हमको हमारा जो दर्जा मजहब नहीं सिखाता, आपस में दे रखना है, हिंदी हम वतन हिंदुस्तान, जातिवाद लेके इधर आए हो वो बात गलत है। हमारे ऊपर कीचड़ उछाला गया। जैसे मोहन भागवत जी का मैं सम्मान करता हूँ, नहीं ये जो बोल रहे हैं सब एक ही है, मोहन भागवत जी को समझाइए ना, मोहन भागवत जी को समझाइए, ये ऐसा कह रहे हैं। मोहन भागवत जी समझे हुए व्यक्ति है, सोचे समझे हुए व्यक्ति है, उन्होंने अगर वो समझदार व्यक्ति है तो उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, अगर दिया नहीं, अगर आप बोलते हो उन्होंने नहीं दिया है, किसी ने दूसरे ने तोड़ मरोड़ के बयान दिया है, तो उसको अप्रूव करिए, हम लोग अपना जो एप्लीकेशन वापस ले लेंगे। 10 आदमी आइए बैठ के प्रूफ करते हैं, इसमें क्या हुआ बोलो, आप किसने किया, सुनिए हम मेरी बात सुनिए, आज हम जिस मुद्दे के लिए लेके यहाँ पे आए हैं, हमको किसी राजनेता से मतलब नहीं है, कोई धर्म से मतलब नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चन भवेत् दुःखम्। मोहन भागवत जी की वो बयान सोच समझ के जो दिखाया गया है, हम समस्त ब्राह्मण यही बार बार देश के ब्राह्मणों से आह्वान करते हैं और महामहिम राज्यपाल जी से भी बयान करते हैं। आप क्या कहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये लोग जो आए ये गलत हैं?
गलत नहीं है, हो सकता है इनको किसी ने समझाया हो, बढ़ाया हो, धमकाया हो या दूसरा कुछ किया हो, इसी हिसाब से दलाए हो। बाकी 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 तो मैं नहीं मानता, ये सब सोचे समझे हुए आदमी है, सब अच्छे अच्छे आदमी है, सब बढ़िया है, ऐसा नहीं है। आप अभी बोल रहे थे कि भागवत जी के वचनों को व शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, ठीक है। अब अभी आप बोल रहे हो कि ये गलत बोल रहे हैं। मैं नहीं बोला इनको किसी, सुनो सुनो, इनको एक मिनट, इनको किसी ने, एक मिनट, मैं आपको एक जानकारी दे दूं। संडे के दिन, महाराष्ट्र में संडे के दिन एक स्टेट पर मोहन भागवत जी ने ऐसा कहा है, जो वीडियो लोगों ने देखे ना, वीडियो वायरल हुई है सर, उस बेच पे इन लोग अपनी बात को रखने के लिए आए हैं, बराबर ना। और मेरे प्रेस रिपोर्टर, मेरा काम है कवर करना, इनकी बात को पहुंचाना, चाहे इस पे कोई कार्रवाई हो नहीं हो, वो माफी मांगे नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने मुझसे, मेरे जो पंडित मेरे भाई लोग हैं, उन्होंने मुझसे एक आशा रखी है, मैं मेरी आशा पे पूरा पूरा उतरूंगा। जैसे अभी आपने इनसे कहा कि इनको किसी ने समझा के भेजा होगा, हम लोग, हमको कोई समझा, हम लोग परशुराम जी इस धरती पे अपना पूरा पूरा जीवन, वो भगवान थे, वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा साहब, जहाँ तक हमको पता। हम लोग हर देवी देवताओं को हर जगह जाते हैं, तो हर जगह मत्था टेकते हैं, अमृतसर जाते हैं, हम कोई पीर या दरगाह में जाते हैं तो हम वहाँ पे दुआ सलाम करते हैं, हम गंगा के स्थान पे जाते हैं, हमारा देश गंगा जमनी तहजीब के ही चलता है साहब, नहीं जाति भेद पे नहीं चलता है सर, जमना की तहजीब पे ही पूरा देश चला है। जी, हम उस पे, उसको पकड़ के चलेंगे। मगर वो तो कह रहे हैं कि वो तो बयान को तरोड़ मरोड़ के अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। वो भी कह रहे थे कि आपको किसी ने समझा के भेजा होगा, हम इस लायक है कि हमें कोई समझाएगा और हम आके यहाँ, भाई आपको किसी ने समझा, आप समझ गए? हम तो भाई जो देखे वो बोलते हैं, अगर जो ऐसा बोल रहे हैं कि उसको तोड़ मरोड़ के भेजा है, तो वो जो तोड़ मरोड़ के भेजा उससे प्रूफ करे हमको भी तोड़ मरोड़ के भेजा है, बराबर। जो कोई समझदार व्यक्ति को समझाने के लिए उसको पहले प्रैक्टिकल बताना पड़ता है, बराबर। अब इन्होंने क्या बयान दिया है, बराबर, अब ये आपने यहाँ पर रिकॉर्ड किया, अब कल को ये दूसरा कुछ बयान देते हैं तो आप बता सकते हो ना कि इनका बयान क्या है। और ये खाली हमने नहीं देखा है, ये इनकी वीडियो जो रविवार के दिन टेलीकास्ट हुई थी वो ऑल इंडिया ने देखा है, बराबर। अगर उन्होंने नहीं देखा है वीडियो, तो वो जा करके संडे का वीडियो देखे, उसके बाद हमसे आके बात करें। बिल्कुल, अच्छा अच्छा, क्या क्या देखिए, अभी यहाँ एक चर्चा हुई है कि भगवान राम की मानस फाड़ा गया उस पर नहीं, तो उस पर भी हम लोग कितने बार विरोध कर चुके हैं, वहाँ कोई मीडिया का सहारा हम लोग नहीं लिए थे, और आज इस समाज में कलेक्टर ऑफिस में हम मीडिया के सहारे से उन्हें देश के चंद गद्दार नेताओं को भी कहना चाहूँगा कि अपने राजनीति के रोटी के लिए, अपने वोट बैंक बैलेंस के लिए भगवान राम को, रहीम को, अल्लाह को बीच में ना लाएं, और हमारे मर्यादा में जिस प्रकार से हमारा देश जी रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की एक ही विचारधारा थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चन भवेत् दुःखम्, इसी भाषा से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, अखंड भारत की, अखंड भारत की, अखंड भारत की, परशुराम दादा की। क्या पूरा मामला था, हमने हमारे देश लाइव के माध्यम से हमने आपको बताया, यह जो चर्चा हुई वो भी हमने बताया, और जो हमारे जो भाई लोग आए थे आवेदन देने के लिए, उनकी भी हमने बात को पूरी डिटेल में हमने समझा और आप तक रखा। मैं मोहम्मद नाजी पठान, आप देख रहे देश लाइव अहमदाबाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।